और यहाँ का व्यू आप चेकआउट कर सकते हो, कैसे फॉग आ रहा है, बादल आ रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है हमें बारिश भी मिल जाए ऊपर। या भाई, भाई ने हमारे एग्जॉस्ट चेंज कराए हैं, लुक एट दिस एग्जॉस्ट, रेड रूस्टर का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट इसमें डला है। और यहाँ से काफ़ी स्टीप पहाड़ शुरू हो जाते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए व्लॉग में। और आज है हमारे पास चार चार बाइक, लुकिंग ब्यूटीफुल, टीवीएस आरआर है, होंडा सीवी एंड दो डोमिनार। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग एक बहुत ही बढ़िया सुबह के साथ में। मिस्टर वैभव हमारे साथ है अपने ग्रीन डोमिनार पे। तो अभी हम लोग भाई काशीपुर से निकल रहे हैं, यहाँ अपना मीटअप पॉइंट था, सब तीनों चारों लोग आ चुके हैं, राइड की शुरुआत हो चुकी है। और आज हम लोग निकल रहे हैं मुक्तेश्वर के लिए और मौसम बहुत ही बढ़िया होता हुआ, टाइम 7 बज चुके हैं सुबह के। तो अभी हम रामनगर वाली रोड पर आ चुके हैं और यहाँ से अब हमारी राइड शुरू होती है। तो देखते हैं आज वेदर कैसे रहता है, आई होप बढ़िया होना चाहिए। हाँ भाई, सामने जा रही है अपने भाई की होंडा सीबी हाइनेस, भाई ने रेड रूस्टर के एग्जॉस्ट डलाया है अपने बाइक में। तो आगे चल के बाइक की जरा टेस्ट राइड लेंगे और आपको इसकी साउंड भी सुनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त और सूदिंग साउंड आ रही है। 10 किलोमीटर्स हमने अभी कवर किए हैं और हमें जाना है मुक्तेश्वर वाया नैनीताल, काराडूंगी वाला रूट पकड़ेंगे हम लोग। तो फाइनली गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं रामनगर में और अभी हम रामनगर से बाईपास ले रहे हैं, सीधा हल्द्वानी वाला रूट पकड़ेंगे, कालाडूंगी हल्द्वानी वाला रूट पकड़ेंगे बाईपास। यहां से हल्द्वानी आपका पड़ता है 54 और कालाडूंगी है यहां से 31 किलोमीटर्स। और पहाड़ क्या ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं यहाँ से भाई, छोटे छोटे बच्चे देखते हुए रिएक्शन देते हुए। सूरज मामा बादलों के पीछे छिपे हुए हैं फिलहाल, भाई ने पेट्रोल पम्प से ऑयल लेना और ये कोई नया पेट्रोल पंप है। सो राइट गाइज, अभी हम लोगों ने चाय वाई पी ली है, निकलते हैं अब यहाँ से, चलो भाई। सो राइट गाइज, अभी हमने बाइक को स्वाइप कर लिया है, अभी हम आ चुके हैं होंडा सीवी पर। या भाई, भाई ने हमारे एग्जॉस्ट चेंज कराए हैं, लुक एट दिस एग्जॉस्ट, रेड रूस्टर का परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट इसमें डला है। तो इसकी अभी हम साउंड सुनाएंगे आपको और चाय वाई हमने पी ली है और अब निकल रहे हैं आगे हम। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या ज़बरदस्त चल रही है भाई, भाई पावर अच्छी उठा रही है बाइक। होंडा सीवी हाइनेस पर अब हम आ चुके हैं एंड लुक एट दिस व्यू, बहुत ही बढ़िया लग रहा है व्यू। और यहाँ से अब हम बिल्कुल एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, तीनों राइडर हमारे सामने आ चुके हैं, बहुत ही सूदिंग साउंड आ रही है भाई, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है रेड रूस्टर का और बाइक पर बहुत बढ़िया सूट कर रहा है। ओहो, पटाखे भी मारे भाई बाइक ने, क्या बात है भाई क्या बात है, काफ़ी रेट्रो बाइक है, बिल्कुल फुल ऑफ एसेसरीज है। इस बाइक का आपको एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो देंगे, क्या क्या इसमें एसेसरीज लगी है, इसका ओनरशिप रिव्यू भी शूट करेंगे अपने केसर भाई के पास, ये बाइक है उनके साथ में सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि चलाने में तो मुझे काफ़ी रिलैक्स लग रही है, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई चलाने में, क्या बात है। और सुन सकते हो आप एग्जॉस्ट का नोट, चारों राइडर लाइन से जाते हुए, आगे हमारी स्विफ्ट जा रही है, देन अपनी डोमिनार जा रही है, देन RR 310 जा रही है जो नई वाली है। और यहाँ पर बहुत बढ़िया रिएक्शन मिलते हुए लड़कों के द्वारा, ऐसा कोई परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट अगर हमारी डोमिनार के लिए भी मिलता है तो हम उसको ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। तो यार, काफ़ी देर से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, हाइनेस को, होंडा सीबी हाइनेस को, और परफॉर्मेंस यार लाजवाब है। अगर आप एक लॉन्ग रूट के लिए एक बाइक देख रहे हैं तो काफ़ी रिलैक्स पोस्चर है इस बाइक का और लुक्स तो ज़बरदस्त हैं, और साथ में अगर आप इसमें परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट डलवा दोगे जैसे अभी हमारे भाई ने डलवाया है, तो यार मज़ा आ रहा है इस बाइक को लॉन्ग हाईवे पर चलाने पर। तो काफ़ी देर से मैंने इसकी सारी चीज़ें, ब्रेकिंग वगैरह सब बहुत ही बढ़िया चल रही हैं, होंडा की तरफ से आने वाली एक बहुत ही बढ़िया रिलायबल बाइक है ये। और एग्जॉस्ट सुनो यार, आप बिल्कुल कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप जितनी अच्छी साउंड आ रही है उतना अच्छा हमारा ट्रैक है, सामने हमारी रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है। तो अभी हम कालाडूंगी से पीछे हैं, कालाडूंगी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, एकदम राइड कर रहे हैं आज हम, बिल्कुल एंजॉय करते हुए, काफ़ी टाइम बाद आज हमने बाइक को राइड किया है और जो एसेसरीज भाई ने डाली हुई है बिल्कुल लोड कर रखी है बाइक में, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। गियर ज़्यादा शिफ्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है और पावर की कहीं भी कमी नहीं है, बहुत बढ़िया, एकदम इंस्टेंट पिकअप नहीं है, ग्रेजुअल पिकअप है जिसको चलाने में मज़ा आता है। और यार, होंडा जैपनीज़ बाइक है, नो डाउट परफॉर्मेंस ऑलवेज मस्त होते हैं जितने भी जैपनीज़ बाइक होती हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनकी राइड क्वालिटी दूसरी बाइक से बहुत अलग होती है,
और यहाँ गई है नई RR 310। तो थोड़ा सा चेंज हो गया, आज हमने बाइक को स्वाइप किया तो चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है। हमने चलाई है और मैं चला रहा हूँ वैभव की बाइक। और अभी हम चला रहे हैं वैभव की डोमिनार और काफ़ी चेंज सी लग रही है यार, मेरी डोमिनार से काफ़ी चेंज लग रही है। ब्रेक का बाइट बहुत अच्छा आ रहा है भाई वैभव की डोमिनार से। मेरी वाले ब्रेक में थोड़ा सा फीडबैक कम मिल रहा है, बट इस वाली बाइक में फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आज हमने सबने बाइक्स जो है इंटरचेंज करी हैं, बिल्कुल स्वाइप कर दी हैं इधर उधर। डोमिनार का भी भाई अपना एक अलग ही टशन है, मज़ा आता है भाई। ये भी एकदम टूरिंग बाइक है, सुपर टूरिंग बाइक है ये भी। पहुंच चुके हैं कालाडूंगी मोड़ पर, ये सीधा वाला रूट जो है हल्द्वानी चला जाएगा, ये जा रहा है कालाडूंगी नैनीताल। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से चारों राइडर ऊपर हो चुके हैं और यहाँ से हमारा थोड़ी देर बाद जो है पहाड़ी रूट स्टार्ट हो जाता है। भाई लोगों अब हम आ चुके हैं कालाडूंगी पहाड़ियों में और यहाँ से काफ़ी स्टीप पहाड़ शुरू हो जाते हैं। सबसे आगे जा रहा है वैभव होंडा पे, देन RR जा रही है और उसके बाद अपनी डोमिनार और उसके बाद वैभव की डोमिनार जो मैं चला रहा हूँ। ओहो, राइडर्स कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई लोगों, क्या बात है क्या बात है। ओके, तीन ट्रिपलिंग कर रहे हैं भाई, ट्रिपलिंग भाई। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर डालने का क्या मतलब बनता है भाई, पहाड़ी एरिया में भी स्पीड ब्रेकर डाल रखे हैं। ओहो, काफ़ी सारे लड़के आ रखे हैं भाई यहाँ भी राइड करने के लिए, क्योंकि ऊपर मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। ओहो, लड़का जा रहा है भाई हमारी रील्स बनाता हुआ। पूरा मौका देंगे भाई सामने वाले को, ऐसा नहीं है भाई। वैभव का एग्जॉस्ट नीचे टर्न पर लग रहा है, इसने एग्जॉस्ट में कुछ लगाया हुआ है, वो लीन करते हुए लग रहा है। और यहाँ हम अपनी वापस से बाइक स्वाइप करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हाइपर राइडिंग होती हुई डोमिनार और RR 310 के बीच में, मज़ा आ रहा है। मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है। ओहो, काफ़ी टूरिस्ट लोग आ रखे हैं, बहुत सही। लीन करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, बहुत बढ़िया चला रहा है सामने वाला राइडर हमारा। दो राइडर हमारे पीछे रह गए हैं, काफ़ी देर से हाइपर राइड के मूड में था लड़का, तो हमने सोचा हाइपर राइड कर ही ली जाए। बहुत ही शार्प टर्न हमारे सामने, क्या बात है भाई। यही खूबसूरती है हमारे इस वाले हाईवे की, जो कालाडूंगी से नैनीताल जाता है, कि टर्न्स बहुत प्यारे मिलते हैं। जिसको लीनिंग करने का शौक है भाई वो इधर आ सकता है, लेकिन काफ़ी रिस्की भी है। फुल परफॉर्मेंस देती हुई डोमिनार अपनी, पूरी कॉर्नर में डालते हुए बाइक को। वो मजा आ गया यार, मजा आ गया। तो राइट गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरीके की लोकेशन पर, और ये अभी नैनीताल से हम लोग 5-6 किलोमीटर पहले हैं। और यहाँ का व्यू आप चेकआउट कर सकते हो, कैसे फॉग आ रहा है, बादल आ रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है हमें बारिश भी मिल जाए ऊपर। तो यहाँ का व्यू ज़रा आप इंजॉय करते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं।
फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं नैनीताल पे, और नैनीताल में एंट्री करते ही हमें मिला है बहुत भयंकर जाम, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रखा है नैनीताल। और हमें नैनीताल क्रॉस करने में आई थिंक लगता है टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप क्राउड देख सकते हो। अभी तो जस्ट हमने एंटर किया है तब ये हालात हैं, और अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग के 10:12, 10:12 हुए हैं। नैनीताल की हालत कुछ इस प्रकार से, अभी हम तीनों लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकलना है सीधा मुक्तेश्वर वाले रोड पर। गाइज अभी हम जाम से निकल कर आ चुके हैं नैनीताल की माल रोड पर, और इस समय हम लोग घूम रहे हैं माल रोड से। बहुत ही बढ़िया समा हो रहा है यहाँ का, काफ़ी टूरिस्ट लोग आए हैं इधर, बोटिंग वोटिंग चल रही है इधर। नैनी झील है हमारी राइट साइड पर, और क्या बढ़िया नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। धूप बिल्कुल भी नहीं है, बारिश वाला मौसम, और उसमें बोटिंग करते हुए लोग, वाह भाई वाह। और इधर माल रोड बिल्कुल फुल हो रखी है टूरिस्ट लोगों से, क्या ज़बरदस्त व्यू है, लुक एट दिस व्यू मैन, वाह। फिलहाल हमें निकलना है सीधा आगे यहाँ से और अच्छे नज़ारों की तरफ। रेड रूस्टर दहाड़ता हुआ होंडा का